हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहे और मूंगफली का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता, जो आपने ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ टिप और ट्रिक देंगे। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी काफ़ी अच्छी भी बनेगी और लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगी। और दूसरी खासियत इसकी इस नाश्ते की ये है कि यह मिनटों में बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पोहा, कुछ लोग इसे चूरा भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि हर जगह अलग अलग बोला जाता है। और वैसे इसे फिल्टर राइस बोलते हैं। और ये हमारा है मूंगफली यानी पीनट, और ये हमने लिया है 100 ग्राम और 50 ग्राम हमने पोहा लिया है। पोहा आपको जो लेना है थोड़ा सा मोटा वाला लेना है, बारीक वाले पोहे का इस्तेमाल नहीं करना है, जो पतले वाले होते हैं उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इधर हमने दो ग्रीन चिली लिए है, बस इतनी ही काफी है। अगर आपको ज़रा तीखा पसंद है तो आप लोग थोड़ी सी और ग्रीन चिली को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे। तो फ्रेंड, एक बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर हमने रखा है ये छन्ना, और इसी में हम डालेंगे अपने ये दोनों आइटम को। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं साथ में मिलाकर डाल रही हूँ। और इस तरह से हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, और अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि वॉश करना इसलिए ज़रूरी है, काफ़ी इसमें धूल मिट्टी होती है। तो 2 से 3 पानी हम इसे धुलेंगे, और इस तरह से हम 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे ताकि जो भी इसमें धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। और इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को हटा देंगे और फिर इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड, अब हमने जो धुल कर रखा है उसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे सारा का सारा। और अब इसमें हम सिर्फ आधा ग्लास पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जितना पानी आप डालेंगे उतना ही ये पोहा सोख लेता है। तो इसलिए आधा ग्लास पानी डालकर हम इसे 2 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड, जब तक ये रेस्ट पे, हम इसे साइड में रख देते हैं और आगे का काम कर लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ और एक फैन रख दिया है हमने, और फैन जैसे ही हीट होगा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे और हींग को अच्छे से तड़कने देंगे। जैसे ही हमारी हींग तड़केगी हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे, जो हमने इस तरह से मोटी मोटी चॉप करके रखी है, और ये मीडियम साइज की है। अगर आप बड़ी डालें तो आप लोग आधी डालिएगा। फिर हमने 2 से 3 हरी मिर्च कट करके ले ली है, इसे हम डालेंगे, और 1 मीडियम साइज की गाजर, जो बहुत ज़्यादा ना बड़ी थी ना छोटी, उसको हमने इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। गाजर डालने से बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और टेस्टी बनता है। फिर हमने 1 बड़ा शिमला मिर्च लिया है, जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। इसी के साथ अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो 1 छोटा चम्मच तक नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच चाट मसाला, और 1/2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अब इसके बाद थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप कड़ी लीव्स के पत्ते को भी कट करके डाल सकते हैं, यानी कड़ी लीव्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक बारीक करके डालिएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, आप अपने मन मुताबिक सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, और सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम ये नाश्ता स्टोर कर पाए। तो कच्ची सब्जियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में, अगर आप उनको ओवर कुक कर देते तो मज़ा नहीं आता। तो हल्का हल्का सा इसे हम सॉटे कर लेंगे बहुत ही कम तेल में। अगर आप ज़्यादा तेल में खाते हैं तो आप थोड़ा सा तेल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो कम से कम तेल में इसे अच्छे से बना लीजिए। तो 1 से 2 मिनट ही हम इसे धीमी धीमी आँच पर अच्छे से चलाते हुए, इस तरह से मिलाते हुए सॉटे कर लेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है, मसाला हमारा भुन गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, आइए अपनी मूंगफली को चेक कर लेते हैं। ये जो हमने बना के रखा था मूंगफली और पोहा अच्छे से फूल गया, चलिए इसे दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारा सारा पानी अच्छे से सूख चुका है जो हमने डाला था, और इस तरह से ये फूल गया है, मूंगफली भी फूल गई है और पोहा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड, एक बड़ा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। और अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे जो इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड, इतना अदरक जिसको हमने इस तरह से बीच से थोड़ा सा कूट दिया ताकि इसे पीसने में आसानी है, ये 2 इंच का अदरक था,
और अब हम क्या करेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे। तो उसमें भी हमने ग्रीन चिली डाली थी, लेकिन रेड चिली नहीं डाली है, तो हम इसमें एक ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आप उसमें रेड चिली डालते हैं तो आपको ग्रीन चिली इसमें नहीं डाली है, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, आपको एक चीज़ को मिस करना है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो आधा चम्मच नमक हम इसके अंदर भी डाल देंगे। 5 दाने काली मिर्च के, ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं, सिर्फ 5 दाने काफ़ी है काली मिर्च के। और साबुत हम डाल लें, अगर आपके पास पिसी वाली हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, साबुत जीरा। और अब हम इसे पीस लेंगे बिना पानी डाले, क्योंकि ये फूला हुआ है, अच्छे से पीस जाएगा। अगर आप पानी डालेंगे तो ये बैटर हमारा पतला हो जाएगा और हमें थिक चाहिए, तो इसीलिए हमने इसे फुलाया था। अब इसे हम कवर करके पीस लेंगे बिना पानी डाले और ये अच्छे से पीस जाएगा। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड मैंने इसे पीस लिया, आइए आपको दिखाते हैं कैसा पीसा है। तो ये देख लीजिए कैसे हमने पीसा इसे, तो देखिए इस तरह से हमारा है, हल्का हल्का सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। और मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, आपको भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो पानी था उसी से हमने पीस लिया है। तो देखिए इस तरह से थिक बैटर हमें मिल चुका है, और इसे पतला करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप नाश्ता नहीं बना पाएंगे। तो चलिए अब इसे हम अपने बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए सारा का सारा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर लिया है, कितना हमारा थिक है। और अगर आपकी एक दो मूंगफली इसमें साबुत भी रह जाती तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसे निकाल कर रख दीजिए अलग, लेकिन पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो अब हमारी जो सब्जियां ठंडी हो चुकी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए सब्जियां बिल्कुल अच्छे से जब ठंडी हो जाएंगी तभी आप डालेंगे, अगर सब्जियां आप गरम गरम डालेंगे तो वो सब्जियां इसमें जाने के बाद थोड़ा सा गीला हो जाएगी, यानी वो अपना पानी छोड़ देगी, क्योंकि सब्जियां गर्म होगी और ये बैटर हमारा चिपचिपा हो जाएगा। तो इसीलिए सब्जियों को अच्छे से ठंडा करना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो सारे मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से मेरी तरह चम्मच से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सब्जियों का टेस्ट है वो बहुत ही अलग आता है, और स्मोकी का सा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इस मिश्रण को 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। तो चलिए 2 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे, और किस किस शेप में आप बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, 2 से 3 आइडिया दूंगी, आपको जो पसंद आएगा आप फॉलो कर लीजिएगा। तो आप इसे 2 तरह से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए और 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, बनाने का टाइम आ गया। तो हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, क्योंकि हमने जो डाला था वो पक गई है, और ऊपर से डालने से इसका लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। तो थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच हमने डाली, ज़्यादा नहीं डाली है, इसे मिक्स कर लेंगे। और अब चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे ताकि ये मिश्रण हमारा चिपके ना, तो चलिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो 1 से 2 बूंद ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसे हम अच्छे से हाथों में इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। और अब हम अपना मिश्रण का इस तरह से लेंगे पार्ट, और इसको हम हल्के हल्के से इस तरह से प्रेस करेंगे। तो आप इसे इस शेप में बना सकते हैं, या इस तरह से फ्लैट करके बना सकते हैं, या फिर इसे इस तरह से और एंगल में बना सकते हैं। तो इजीली हर शेप में ये बन जाएगा, तो देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। तो मैं इसे इस तरह से बनाऊंगी 4 एंगल में, और बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है, और खाने में इतना ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी लगता है, प्रोटीन से भरपूर है क्योंकि मूंगफली से बनना है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है कि किसने पोहा पड़ा है। तो इस तरह से हम रख लेंगे, तो आपको जो शेप पसंद आए आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे बनाकर आपको लास्ट में दिखाती हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसे बनाते बनाते, यानी बनाते जब तेल में डालकर बना, एक साइड बना सकते हैं और दूसरी साइड आप इसे फ्राई करते जाएं, या सलो फ्राई कर सकते हैं। दोनों ही तरीका मैं आपको बताऊंगी, कम से कम तेल में बनाने का, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं हाथों में, या बटर पेपर भी बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रख लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा कप तेल, अगर आप इतने तेल में नहीं खाना चाहते तो कैसे बना सकते हैं वो भी तरीका हम बताएंगे। तो पहले हम इसे इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। तो हमने 1 कप तेल डाला है, इसमें हमारा 100 ग्राम तेल आ जाता है, इसको हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से हीट करेंगे। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया, हम गैस के फ्लेम को लो रख देंगे और इस तरह से हम डाल देंगे, और इसी तरह हम अपना दूसरा भी डालेंगे, और इस तरह से हम अपना दूसरा भी डाल देंगे, और इसी तरह हम अपने साइड में बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे।
और इस तरह से हम अपना तीसरा भी डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे और 2 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसे हम टर्न कर लेंगे तो देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी कलर आया है, सॉरी क्रिस्पी हो गया और कितना प्यारा कलर आया है। तो इस तरह से आप इसे टर्न कर सकते हैं छोटे चम्मच की सहायता से, इसकी साइडों को बदल दीजिए। और अब इसे हम दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे और फिर इसके बाद हम कम तेल में आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये 2 मिनट बाद हम निकाल लेंगे, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे बनने में। बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है क्योंकि ये पोहे से बना है और क्रिस्पी होता है ऊपर से क्योंकि ये मूँगफली से बना है। तो चलिए अब इसे हम 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड दूसरे साइड से भी अच्छे से हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से साइड में करके ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और बाकी मैं बना के आपको कम तेल में दिखाती हूँ। चलिए इसे फटाफट निकाल लेते हैं, फिर आपको दूसरा वाला भी तरीका दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से निकाल लिया, देखिए कितने कुरकुरे कितने बढ़िया बने हैं। अब मैं कम तेल में बनाऊंगी तो सारा जो तेल है वो निकाल दूंगी और सिर्फ 1 चम्मच तेल में आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। तो देखिए सारा पैन का तेल मैंने निकाल दिया है, अब जिसमें हम सिर्फ 1 चम्मच तेल डालेंगे बस और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। तो इसे हीट करने में जरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तेल हमारा गर्म ही था। अब हम बनाना शुरू करते हैं, अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, आपको पैन में तेल को अच्छे से पहले इस तरह से चारों तरफ फैला लेना है और फिर इसके बाद आपको इस तरह से लेना है और इसे नॉर्मली बिल्कुल आसानी से टिक्कियाँ बना लेना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कम तेल में। अगर आप इससे भी कम तेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसे हल्का सा तेल से ग्रीस करके भी बना सकते हैं। तो ये जो टिक्कियाँ आपको बनानी है, ख्याल ये रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और डालने के बाद आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसे धीमी धीमी आँच पर पकने देना है 1 से 2 मिनट तक और फिर इसके बाद हम टर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हम बना डाल रहे हैं और हल्का हल्का सा इस तरह से साइड में घुमा के आप इसे शेप दे सकते हैं। बाकी हम बाद में बनाएंगे, अब 2 मिनट बाद इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे टर्न कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये देखिए पलट दिया मैंने, कोई भी हार्ड वर्क नहीं इसे बनाना और इस तरह से आप इसे उंगलियों का सपोर्ट देके कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा उससे कम ही होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमने कम तेल बनाया है तो इसे पकाने में आपको टाइम लगता है। तो अगर इसे 2 मिनट और पकाएंगे तो 2 से 3 से 4 मिनट तक हम इसे धीमी धीमी पकने देंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता दूसरे साइड से भी। तो फ्रेंड दूसरे साइड से भी डन हो गए, चलिए आपको पलट कर दिखा देते हैं। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल कर दिखाते हैं, बाकी बचा हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए ये आपको दिखा देते हैं पहले। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये अमेजिंग सा नाश्ता जो हमने पोहा और मूंगफली से बनाया है। देखिए कितना ज्यादा ये कुरकुरा है, कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट है क्योंकि ये पोहा से बना है। और इसे हम जब इस चटनी के साथ केचप के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। अगर आप केचप के साथ नहीं खाना चाहते तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशल चटनी की रेसिपी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मैं इसे केचप के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए आपको दूसरा भी दिखा देते हैं, पहले हम इसे खा लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाइए खाइए। और अभी हम आपको दूसरा दिखाएंगे, ये खा लें पहले। तो ये हमारा डीप फ्राई वाला है, देखिए ये काफी ज्यादा कुरकुरा है क्योंकि हमने इसे फ्राई किया है। तो ये फ्राई है तो इसका अलग ही टेक्सचर है और ये भी अंदर से सॉफ्ट है देखिए। और इसे भी मैं एंजॉय करने वाली हूँ, आप बनाइए बनाइए खाइए मेरी तरह बिल्कुल एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मैं इसे भी एंजॉय कर लेती हूँ और आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत ही कम तेल में बन जाता है झटपट से और कितना इसका लुक अच्छा है उससे ज्यादा टेस्ट अच्छा है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, बाय एंड टेक केयर। आप लोग भी ललचाइए मत, बनाइए खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बाय एंड टेक केयर।